भोपाल से आ रही बड़ी खबर, फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी की गांधी गोट से एक युद्ध फिल्म पर विवाद शुरू। कांग्रेस ने गांधी गोट से फिल्म पर जताई आपत्ति। पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना ने भोपाल टॉकी संचालकों को दी खुली चेतावनी, कहा भोपाल के टॉकीजों में लगाई जाएगी खुलेआम आग। मोनू सक्सेना ने फिल्म रिलीज करने पर जताई आपत्ति। महात्मा गांधी के इतिहास पर छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। भोपाल में अगर फिल्म रिलीज हुई तो होगा बुरा अंजाम, जिसकी जिम्मेदार होगी बीजेपी। कि गांधी गोड़ से एक मूवी आ रही, राजकुमार संतोषी उसको दिखाने वाले हैं। जिस राष्ट्रपिता और महात्मा गांधी जी ने इस देश को अपनी शहादत देकर आजादी दिलाई, उन तमाम शहीदों ने जिन्होंने अपने आप को आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई, उन सबकी तुलना एक गोड़ से हत्यारे से करना मुझे लगता कहीं से भी जायज नहीं है। ये पूरी की पूरी मूवी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बना करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे शहीदों के इतिहासों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ, उनके इतिहास, उनके विचारों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। और एक राष्ट्रपिता, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र के लिए शहादत देने वाले व्यक्ति की तुलना एक हत्यारे गोडसे से की जा रही है। मुझे लगता है ये वही लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा, भोपाल शहर की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा था कि गोडसे महापुरुष थे। तो ये गोडसे के मानने वाले लोग ही गोडसे की मूवी को दिखाने जा रहे हैं। ऐसी विचारधाराओं को मानने वाले और महात्मा गांधी की तुलना एक हत्यारे गोडसे से करने वाली मूवी को कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भोपाल शहर के नौजवान साथी इस मूवी का भरसक विरोध करेंगे। अगर आपत्तिजनक चालचित्र दिखाए गए, महात्मा गांधी की तुलना हत्यारे गोडसे से करने की कोशिश की गई, तो हम तमाम नौजवान साथी शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं, भोपाल शहर के लोग, कि इस मूवी को रोका जाए। और तमाम टॉकी संचालकों से भी निवेदन करते हैं कि इस मूवी को चलने से रोका जाए, मूवी को ना चलाए विवादित, जो महात्मा गांधी जी को कहीं ना कहीं आपत्तिजनक स्थितियों में दिखाने की कोशिश ये मूवी जो कर रही है। अगर दिखाने की कोशिश की गई तो निश्चित रूप से भोपाल शहर के टॉकीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।